ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो गाइस जिस वीडियो को आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हो, ये वीडियो दोस्तों कल ही वायरल हुआ है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, एक आदमी एक बड़ा वाला आईफोन 6 को उठा के लेके जा रहा है। गाइस आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कहा है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो गाइस मैंने कुछ इस तरह से सोच के ये वीडियो बनाया है जो वीडियो आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हो। गाइस अगर आपको भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता ही है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा शेयर कर दे ताकि गाइस वो भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के दोस्तों टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे एस आर कलौंडा में। गाइस अगर आप मुझे वक्त हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए अब अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहाँ पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइन मास्टर का प्रो मोड यूज़ करता हूँ, आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रो मोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे के रखा है दोस्तों, जहाँ से गाइस आप काइन मास्टर प्रो मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो लेफ्ट साइड में न्यू ऑप्टी फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले न्यू ऑप्टी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। गाइस जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपको अपना पसंदीदा एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए सिंपल से यहाँ पे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन का दोस्तों कुछ इस तरह से आपको बढ़ाना है। गाइस इसका ड्यूरेशन आप 15 सेकंड से कम ही रखिएगा, क्योंकि गाइस टिकटॉक बनाने का जो वीडियो होता है दोस्तों वो 15 सेकंड से कम ही होता है। इसके बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप कुछ इस तरह से आप फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद गाइस आपको अभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस जो आदमी आपका मोबाइल लेके जा रहा है दोस्तों उस वाले वीडियो का दोस्तों मैंने ग्रीन स्क्रीन दे के रखा है, आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वाले टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों वो आपके डिस्प्ले में फ्लैश हो रहा है। अब फ्रेंड्स आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करके यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी मीडिया में क्लिक करके दोस्तों अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपको जॉइंट मोबाइल के ग्रीन स्क्रीन के वीडियो का आपको सिलेक्शन करना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको इसको फुल स्क्रीन में करना है। करने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके दोस्तों आपको गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लेना है की कलर में, और दोस्तों आपको यहाँ से ओके करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो पीछे का व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों मेरा यहाँ पर दिख रहा है, आपका भी दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड दिखेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाले बैकग्राउंड में दोस्तों अपना फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए दोस्तों अभी आपको फोटो सिलेक्शन करना है। फोटो सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में क्लिक करके जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, इसी मीडिया में सिलेक्शन करके आप अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा, और यहाँ से दोस्तों आप अपना फोटो का सिलेक्शन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाले एरो में पकड़ के दोस्तों आपको इसको छोटा करना है कुछ इस तरह से, और दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस आपको लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका जो फोटो यहाँ पर पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपका इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपके वीडियो की जितना ड्यूरेशन आपको करना है कुछ इस तरह से कर देने के बाद गाइस अभी आपको कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना है।
आने के बाद गाइस आपके फोटो वाले फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो आप लेफ्ट साइड में आपको एक की दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले की में सिलेक्शन करना है। और गाइस अभी आपका वीडियो जिस तरह से चल रहा है दोस्तों, आपका फोटो को भी कुछ इस तरह से चलाना होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने कुछ इस तरह स्लाइड किया तो मेरा जो फोटो है दोस्तों वहाँ से हट जा रहा है। तो गाइस सिंपल से आपको इसी वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और आपके फोटो को कुछ इस तरह से आपको साइड करना होगा। फिर से दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको ये करना होगा, मतलब गाइस आपको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करते हुए जाना होगा। जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ बड़े ध्यान से, आप भी दोस्तों कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। तो गाइस मेरा जो फोटो है उसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस अगर आप अपना वीडियो को अगर प्ले करके देखेंगे दोस्तों तो आपका वीडियो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखेगा। तो गाइस इस तरह से आप इस वीडियो का फ्रेंड्स इस तरह का आप वीडियो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको जो लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल को दोस्तों आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर एंडिंग लगाते हैं।